जलसों की, ये जो है ये हमारी जो वाथम्सों की कम्युनिटी है, वाथम फॉरेस्ट की, बल्कि पूरे लंदन की कम्युनिटी, हम ऐलान करते हैं वहाँ अपने माइक पर, जुमे वाले दिन ऐलानात करते हैं। उस ऐलानात के जरिए ये हमारे फंड्स इकट्ठे होते हैं, लोग बड़े बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह ताला उन्होंने हमेशा तावन किया, और मुझे उम्मीद है कि हम उनकी पाई पाई जो है ईमानदारी से खर्च करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वो हम पर ट्रस्ट करते हैं। ये बिलखसूस जो मौजूदा कमेटी है, ये इस अवाम की उम्मीदों पर पूरा पूरा उतर दिए, हमारे पास पाई पाई का हिसाब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब से हम आए हैं ये नई कमेटी आई है, यहाँ कोई अगर साबित कर दे करप्शन हुई है जो चोर की सजा इस इंतजामिया की सजा। अच्छा, आपके मिलाद का जो सा ईद मिलाद नबी का महफल होती है, उसमें किसी तबरकात की भी आप ज़ियारत करवाते हैं कि सिर्फ महफिल नात है या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम फखरे अंबिया महबूब किबरिया साहिब अल्लाह जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक की हम यहाँ ज़ियारत करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला, हर ईद मिलादुल नबी के मौका पर करवाते हैं। खवातीन भी देखती हैं और हमारे भाई भी देखते हैं, ज़ियारत करते हैं। ऐसा हुआ तो काफ़ी अरसे से वाथम स्टो फॉरेस्ट में सरगर्म है, समाजी कामों में, सियासी कामों में तो कम है, लेकिन समाजी कामों में आपका बहुत पार्टिसिपेशन है। मैं आपको 25 साल से जानता हूँ, और ये मस्जिद में पहले बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लेकिन जब से मैं समझता हूँ आपने संभाला है तो काफ़ी हद तक वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं। इसमें ये सारी आपकी कोशिशों का नतीजा है, तो अभी आप क्या महसूस करते हैं इसमें, मज़ीद कोई तरक्की के कोई ख्याल आपने सोचे हैं इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? इंशाल्लाह हमने एक जगह दी हुई है पोखरो रोड पे बड़ा हाल है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए हो जाए, बच्चियों के लिए, और मेरा ख्याल है कि वो 2-3 माह में हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। जो प्लानिंग वाले हैं उन्होंने वो मतलब कि मंजूरी भी दे दी थी। आज के इस अजीम शान जुलूस और इस अजीम शान जलसा में आपने कोई कमी या कोई परेशानी तो मैं महसूस नहीं की? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं समझना कि खुदा की मेहरबानी ना, इतना अच्छा जुलूस इस तो पहले मैं इस मस्जिद नहीं देखा। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं 31 साल मतलब और मैं तो मैं 50 साल, लेकिन इतना अच्छा और अमन और इतने लोग असलम से नहीं हुए। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि आप इसको जारी और सारी रखें और ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा राजा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग को आप कंट्रोल करते हैं, तो आप सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम करते हैं? आपकी कमेटी होती है, पुलिस को कॉल करते हैं, और फिर यहाँ पे फीमेल की भी काफ़ी तादाद आती है, बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए भी आप क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम करते हैं इस इवेंट के हवाले से? जो सिक्योरिटी है वो हमारी अपनी होती है, पुलिस वाले वैसे हमारे साथ होते हैं हेल्प के लिए, तो वो हमारे जो जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं ना, जो रिश्तेदार हैं या तलक वाले हैं, दोस्त यार हैं, उनको हम फ्रो जैकटें देते हैं और वो इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज दिन तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और पुलिस वाले भी खुश हैं, सब होते हैं जी अल्लाह। और खुदा की मेहरबानी हजूर पाक ना मिलाद है, ऐसा ने कहा पादरी को नहीं, उसने प्यारे ने मिलाद है, मतलब का उसने मेहरबानियां ना दे, सारी चीज हो जाए माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और हिम्मत हौसला दे। आमीन।